Now we go to the third chapter, that is motion of the earth. Motion of earth. Now earth has two types of motion: rotation, revolution. Now, rotation is the motion जिसमें earth जो है वो अपने axis पे move करती है, और अगर earth का ये sun के around orbit है, ये sun है, तो इस प्लेन जो हम प्लेन देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, ऑर्बिटल प्लेन। तो इस प्लेन से अगर मैं कोई 90 डिग्री की लाइन खींचूं तो ऐसी होगी, क्योंकि प्लेन ऐसा है और 90 डिग्री की लाइन ऐसी होगी। तो हमें 66.5 डिग्री की लाइन चाहिए, 66.5 डिग्री की, ऐसी 66.5, ठीक है। और इस एंगल पर अर्थ टिल्टेड है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है जिसमें वो घूमती है इस तरीके से, 66.5 डिग्री पर इस तरीके से टिल्टेड है। और ये टिल्ट कभी बदलता नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा अर्थ कहीं पहुंच जाए तो। मेन बात जानने की यही है इसमें। और दूसरी बात, रोटेशन में के दौरान एक और लाइन की बात आती है, एक्चुअली कर्व, हम कहेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि हमारी अर्थ ये है और इसका एक्सिस जो है वो ऐसे है, बिल्कुल बीच से अगर एक सर्कल बनाए तो इस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे सन है तो पूरी रोशनी यहाँ पर आएगी इधर, और इधर डार्क होगा। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, डिवाइड करता है अर्थ को डे लाइट रिसीविंग में और नाइट में, मतलब डे और नाइट में डिवाइड करता है ड्यूरिंग रोटेशन, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। अब आता है रेवोल्यूशन, दूसरा मोशन आता है रेवोल्यूशन। हम सबको पता है कि जैसे रोटेशन 24 आवर्स में हो जाता है कंप्लीट, ये 365 होता है, और ये 0.25 हर चार साल में जुड़ के एक साल बन जाते हैं, एक दिन बन जाता है, वन डे बन जाता है, फोर टाइम्स वन डे, और ये ऐड हो जाता है फाइनली फोर्थ ईयर में, एंड वी कॉल इट अ लीप ईयर। ये सब, ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, लेकिन रेवोल्यूशन में खास बात ये है कि हमारा जो अर्थ है वो एलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है, उसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। और एलिप्स में खास बात ये होती है, जैसे हमारे सर्कल में दो, एक ही सेंटर होता है सर्कल में, सिर्फ एक सेंटर होता है। एलिप्स में इस तरीके के दो पॉइंट्स होते हैं, इनको हम फोकस बोलते हैं, और ये ऐसे बनता है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पर रबर बैंड लपेट दें और कहीं पे भी जाकर उसे स्ट्रेच करके घुमाएं, सच दैट ये रबर बैंड हमेशा बंधा रहेगा, जो आप पाथ ट्रेस करेंगे वो एलिप्स ही बनेगा। तो इस तरीके से एलिप्स बनाया जाता है कि आपने यहाँ पे एक पेंसिल लगा दी और रबर बैंड ऐसे खींच दिया, या रबर बैंड लीजिए, कोई रबर बैंड तो खींच जाएगा, आप धागा ले सकते हैं, रबर बैंड नहीं लेना चाहिए, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगा। यू शुड टेक अ वायर ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं, और उससे अगर आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो आपको एलिप्स शेप मिलेगा। तो एलिप्स शेप ऐसे क्रिएट होता है, जैसे कि सर्कल में अगर हम क्रिएट करना चाहें तो सर्कल में भी अब एक धागा लपेट के, एक ही पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट, और हम घुमाएंगे सर्कल बनेगा। तो ये डिस्टेंस जो है फिक्स हो जाती है, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो जाती है, एक ही पॉइंट है। यहाँ पे हम दो पॉइंट का इस्तेमाल करके फिर हम पेंसिल से अगर इसको ट्रेस करेंगे तो हमें एलिप्स मिलेगा। तो एलिप्स इससे मिलता है, और अर्थ का यही हमारा मोशन होता है। नॉर्मली छोटी क्लासिक किताबों में हम लोग अर्थ को बिल्कुल सेंटर में दिखाते हैं, हालांकि सन को हम सेंटर में दिखाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सन हमेशा, जैसे कि बनता है, दो फोकस होते हैं, फोकस वन फोकस टू, सेंटर किसी एक फोकस पर होता है और फिर अर्थ ऐसे मूव करती है। तो अर्थ एक बार पास आती है और एक बार बहुत दूर चली जाती है। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द अर्थ, पोजीशंस ऑफ अर्थ, तीन प्रकार की पोजीशंस अर्थ की होती हैं। पहली होती है समर सोल्स्टिस, दूसरी होती है विंटर सोल्स्टिस, और तीसरी होती है इक्विनॉक्स। ये तीन पोजीशंस अर्थ अटेन करती है। अगर हम समर सोल्स्टिस की बात करें तो लेट स्टार्ट। तो समर सोल्स्टिस को देखते हैं कि ये पोजीशन कैसी है। तो ये हमारा पाथ है अर्थ का, और यहां पे सन है, सेंटर पे नहीं है, थोड़ा साइड में खिसका हुआ है, इसी को फोकस बोलते हैं, एट वन ऑफ द फोकस।
और हमको पता है कि ये टिल्ट ऑफ दी अर्थ है 66.5 डिग्री विद दिस प्लेन। आप लाइन खींच दीजिए ऐसे और यहाँ से 66.5 डिग्री इसका माना जाएगा। अब मैं अर्थ बना देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ, वो सन की तरफ टिल्टेड है। ओके, और मैं ये जो लाइन बना रहा हूँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, उसका सिर्फ एक पार्ट बना रहा हूँ, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का आगे का सेमी सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ से आप अगर आर्कटिक सर्कल बनाएं तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है। तो हम देख सकते हैं कि धरती कितना भी रोटेट कर ले, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, घूम के वापस ऐसे आ जाएगा, तो ये रीजन तो डार्क है। तो इस आर्कटिक सर्कल पर लाए करने वाला कोई भी पॉइंट कभी भी अंधेरा नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा, हमेशा डे लाइट ही एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्टली यहाँ पे तो टोटल अंधेरा रहेगा इस पोजीशन पर, लेकिन ऑलमोस्ट कहा जाता है कि पूरे ये 6 महीने, आधा रास्ता 6 महीने आर्कटिक सर्किल और उससे ऊपर वाली जगहों पर ऑलमोस्ट 6 महीने तक उजाला ही रहता है, डे लाइट ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट है घूम फिर के वो ऐसी डे लाइट वाले रीजन में घूमता रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर आने पर या थोड़ा सा उधर जाने पर कुछ अंधेरा उसे एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम इसीलिए ऑलमोस्ट कह रहे हैं। तो 6 महीने आर्कटिक सर्किल के ऊपर की जो चीजें जगह हैं वहाँ पर पूरे दिन पूरे टाइम 6 महीने मतलब पूरे 24 घंटे उजाला ही उजाला रहता है, डे लाइट ही रहती है। और यही बात आप उल्टी कह सकते हैं फॉर रीजन्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे हालांकि इतना टोटल उजाला नहीं रहता है, सॉरी अंधेरा नहीं रहता, ये आपका एंटार्कटिक सर्कल है। देखिए कुछ पोर्शंस हैं जो डेलाइट एक्सपीरियंस करेंगे ये वाले, एक ही दिन में जब अर्थ रोटेट करेगी तो कुछ पोर्शन इस जगह पर आ जाएंगे, ये देखिए ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा अंधेरा से की जगह उन्हें उजाला दिखेगा, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पूरी तरीके से उजाला रहता है। और ये वो जगह है जहाँ पर मतलब अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं लेफ्ट वाले पोर्शन में डायग्राम में, तो खास बात ये होती है कि यहाँ तो खैर 6 महीने उजाला रहता है, और वैसे भी कहें तो लॉन्गर डेज होते हैं जब अर्थ इस जगह पर होती है, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, शॉर्टर नाइट्स कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। और यही आप बात सदर्न हेमिस्फीयर के लिए कह सकते हो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज होते हैं, यहाँ पर लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। और तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। लेट्स गो टू विंटर सोल्स्टिस। अब विंटर सोल्स्टिस की बात करें फिर से हम ऑर्बिट बना सकते हैं, और सन तो यही है और अर्थ जो है वो अपने 66.5 डिग्री के एक्सिस टिल्ट से रोटेट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें ऐसी जो कि हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो इस जगह पर तो उजाला रहेगा, तो हम सर्कल बना दें आर्कटिक सर्कल, ऐसा बनेगा। और एग्जैक्टली सेम चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि ये तो पूरा डार्क रीजन, सॉरी लाइट वाला रीजन है, यहाँ लाइट रिसीव हो रही है और यहाँ पे लाइट रिसीव नहीं हो रही, नो लाइट रिसीव्ड। तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर की जो चीज़ें हैं, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल बोलेंगे हम ऐसे, तो ये है पूरा रीजन, ये एंड दिस रीजन इज बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, इट विल नॉट गेट लाइट फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, क्योंकि जो पोजीशंस फिर से रोटेट कर रही हैं हर 24 घंटे में, वो बहुत छोटा सा पोर्शन लाइट का रिसीव करती है बहुत कम टाइम के लिए। तो ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो पूरे जो 6 महीने हैं उसमें इस जगह पर ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है। और सेम चीज़ हम यहाँ पे एंटार्कटिक सर्किल के लिए एग्जैक्टली उल्टे तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 महीने यहाँ पे कह सकते हैं कि उजाला ही उजाला रहता है, क्योंकि सन के सामने का पोर्शन नहीं है। इस पोजिशन कहते हैं वेर द एक्सिस इज, वेन दी एक्सिस इज टिल्टेड, टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, फ्रॉम सन। तो यही इसमें जानने वाली बात ज़्यादा यही है जो हमने वहाँ पे समर सोल्स्टिस में देखा था,
यहाँ विंटर सॉल्स्टिस में देखते हैं तो हम यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कह सकते हैं, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स आर लॉन्गर। बेहतर होगा कि इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए याद रखें, क्योंकि अगर हमें एक याद है तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हम रिवर्स बोल सकते हैं। अगर दोनों लिख देते तो कन्फ्यूजन की संभावना हो सकती है। सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर चीज़ें ध्यान में रखें और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा कर दें। और टिल्ट बहुत ध्यान रखें कि जब यहाँ पे समर सॉल्स्टिस में थे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन था, तो अभी सदर्न हेमिस्फीयर में रात होगी और उल्टा यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया, दिस पोजिशन, इस पोजिशन को हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस पोजिशन है ये। विंटर सोलस्टिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड पोजीशन की। फाइनल पोजीशन आती है, उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसमें क्या होता है कि ये सन है और यहां पर हम अर्थ मान लें अगर एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, और यहां पे मान लें, दोनों पोजीशंस इक्विनॉक्स कहलाती है क्योंकि इस पोजीशंस में एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक पोजीशन है। वैसे तो कहेंगे कि धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पोजीशन ये होती है ऐसी जिसमें टिल्ट जो है सन की तरफ नहीं होता। दोनों पोजीशंस में देखो, ये एक्सेस जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि अर्थ सन के सामने वाला जो पोर्शन है ये प्रॉपर लाइट रिसीव करता है पूरे आधे रीजन में, और जब अर्थ 12 घंटे बाद घूम जाती है तो अब उस पार्ट को पूरी रात पूरा दिन मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि धरती के इस हिस्से पर जब दिन हो रहा होता है उस हिस्से में रात हो रही होती है, दोनों बराबर ड्यूरेशन के होते हैं, इसलिए नाम इक्विनॉक्स रखा गया। तो इन पोजीशंस में क्या होता है, डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल टाइम, डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, इक्वल ड्यूरेशन, क्योंकि टिल्ट नहीं है किसी एक्सिस का सन की तरफ, वो इस तरफ टिल्टेड है, जिसकी वजह से जितना देर सन की रोशनी एक जगह पर पड़ती है उतनी देर किसी दूसरी उल्टी जगह पर नहीं पड़ती। तो वहाँ रात हो रही होती है और सामने दिन हो रहा होता है, इस बात इस मत के लिए कही जा सकती है, इस जगह पर रात है 12 घंटे और उधर दिन होगा 12 घंटे, तो इक्विनॉक्स कह सकते हैं इसको। और इन सभी जो मैंने पोजीशन बताई, हम खत्म कर रहे हैं इस टॉपिक को, ये वाली पोजीशन भी बताई, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स, दोनों पोजीशन इक्विनॉक्स कहलाती हैं। इन सब की एग्जैक्टली इस पोजीशन की, इस पोजीशन की, इस पोजीशन पोजीशन की एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे कि ये डेट है 22 दिसंबर। और ये वाला जो टाइम है वो 21 जून कहला, 21 जून है ये यहाँ पर, और यहाँ पर 21 मार्च है, और यहाँ पर 23 सितंबर है। तो ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, याद होनी चाहिए। इक्विनॉक्स की डेट है 21 मार्च, 23 सितंबर, और समर एंड विंटर सोल्स्टिस की डेट है 21 जून एंड 22 दिसंबर रिस्पेक्टिवली। अब इसको हम बोलते हैं समर, इस पोजीशन को समर बोलते हैं, इसको से विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, विंटर है पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन खास तौर से जो तीसरा और चौथा हमारा सीजन है स्प्रिंग एंड ऑटम वो देख लेते हैं। तो ये सन है, सन के सामने वाले जो पोर्शन है वो कहलाए जाएंगे, ऑटम चल रहा है वहाँ पे, ऑटम इस पोजीशन पे एग्जैक्टली ऑटम है, और जो सन से दूर है इसका पीछे वाला पार्ट और इसका मेरी तरफ वाला पार्ट जहाँ अंधेरा है, हम कहेंगे उन जगहों पर स्प्रिंग चलेगा करीब 2-3 महीने जब तक, और थोड़े यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी और फिर चीज़ें बदलेंगी थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पीछे की तरफ हम स्प्रिंग कह सकते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है कि सामने सामने ऑटम है जहाँ पे रोशनी पड़ रही है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर।